हरिओम, मेरा नाम योगेंद्र पंडित है। ग्राम पलस पोस्ट कटौना, थाना मलयपुर और ज़िला जम्मू का रहने वाले किसान हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा चंद्रा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैविक विधि से उनकी कथनानुसार हम खेती किए हैं। जैविक विधि से उनकी कथनानुसार खेती किए हैं और ये धान जो है हम जैविक विधि से लगाए हैं। और घर का ये सौरभ सीता धान है मेरा, घर का ये सौरभ सीता धान है मेरा। और ये धान को जो है 30 दिन करमान में बांस बल्ली से चौकी देने का काम किए हैं, जो 150 वर्ष पहले मेरा पूर्वज लोग देते थे, जो 150 वर्ष पहले मेरी पूर्वज लोग देते थे। और ये धान की बढ़वाव देख लिया जाए, ये धान की बढ़वाव 3 फीट हुआ है, ये धान की बढ़वाव 3 फीट हुआ है। और धान की बालियां भी लंबी है और धान की वज़न भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। और धान की हरियाली देखा जाए तो एकदम, इसमें हम केवल 2 बार बहजी कंपोजर चलाने का काम किए हैं मात्र में 100 लीटर। उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव किए हैं, थोड़ा बहुत पिरुषा अमृत जो है अमृत समान काम किया है, उसको भी छिड़काव देने का काम किए हैं और डॉक्टर कृष्णा चंद्रा बताए हुए रास्ते पर सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और परमात्मा की कृपा से जो पूर्व जन्म की उनकी कमाई था वो सब किसानों का जैविक विधि से खेती कराने का जो मिशन ठान लिए हैं उसमें हम सारे किसान लोग सहयोग करें और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और उनकी बताए हुए रास्ते पर चलें और उनको इस बात के लिए जैविक विधि का जो है कार्य जो कर रहे हैं देश में, पूरे देश में डॉक्टर कृष्णा चंद्रा जी, उनको कोटि कोटि उनकी चरणों में नमन करता हूँ। और उनकी हुई बताए पर रास्ते पर लोग चले, बहुत बढ़िया खेती का रिजल्ट है। और देखिए धान की इसका बढ़वाव 3 फीट हुआ है, धान की बालियाँ देखिए और धान की हरापन देखिए और ये धान की हरापन देखिए और धान की बढ़वाव देखिए। और इसी खेत में हम अगला साल लगाए थे, यूरिया DAP का उपयोग करके कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, उसको हम छोड़े हैं। और देखिए जैविक विधि से खेती किए हैं, वो रिजल्ट आप लोग सभी किसानों के समक्ष में है। देखिए ये देखने की चीज़ है। और इसका जो रिजल्ट हम बांस बल्ली से किए थे, देखिए उसका जो मुआड़ है, ये देखिए एक बाली में देखिए कितना कितना धान आ रहा है, देखिए दुगना आया है उससे, दुगना, देखिए देखने की चीज़ है, उससे दुगना आया है। देखिए इतना हरियाली, ये जो है जैविक विधि से आया है। लोग जो हैं भड़का रहे हैं, लोग जो है लोग को भ्रमित कर रहे हैं कि जैविक विधि में उपचार जो है उपजाऊ नहीं होता है। उपजाऊ होता है, यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत सब किसान कर लीजिएगा तो उससे रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है, उसमें उपजाऊ इससे अधिक उपजाऊ है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। परमात्मा संसार में इतना जीवा जंतु बनाए हैं, इतना पशु पक्षी बनाए हैं, सबका कुछ न कुछ भोजन और कुछ न कुछ आधार है। और उनकी बताए हुए रास्ता पर यदि हम चलते हैं तो हम लोग तभी सुखी संपन्न रह सकते हैं और उनसे हट के हम कोई कार्य कर सकते हैं तो ज़िंदगी में हम सुखी संपन्न नहीं रह सकते हैं। यदि जहर मुक्त खेती करना है तो जैविक को अपनाएं और जहर मुक्त खेती करके शुद्ध खाएं। शुद्ध खाने के बाद अनेकों ढंग का बीमारियां आपको छू नहीं पाएगा, और बीमारियां नहीं रहेगी तो आप सुखी संपन्न रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। जय धन्यवाद भाई मेरे। हरिओम हरिओम।